कीजिए हरमन व्लॉग्स को एंड हिट द बेल आइकन। दोस्तों मैं आपका लगता है कौन ही फ्रेश ब्लॉग लेकर वेलकम बैक टू द ब्लॉग। सो गाइस आज फाइनली मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी के लिए एक्सरे शीट्स बनवाने। हाँ जी गाइस बिल्कुल सही सुना, एक्सरे शीट्स। बहुत सारे गाइस लोगों के रिव्यू थे, नेगेटिव भी थे पॉजिटिव भी मैंने सुने हैं, बट मैंने कहा सबको रखो साइड में, चल के देखते हैं, बनवा के देखते हैं, जैसा भी एक्सपीरियंस होगा आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे ज़्यादा सवाल जो होता है गाइस मैक्सिमम लोगों का कि ऊपर नीचे शीशा जाएगा शीट के साथ या नहीं, तो वो भी आपको बताऊंगा। और मेरा भी वो है, मतलब मुझे भी था, इतनी स्टडी कर ली, किसी ने अच्छे से ढंग से वीडियो ही नहीं बनाई हुई, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा सब कैसे होता है या नहीं। मॉडल टाउन में गाइस बनती है, मेरे घर के पास है बिल्कुल, तो वहीं चलते हैं। और आपके घर के पास जाएगा वो आपको पता होगा, मेरा तो यहीं पर मॉडल टाउन, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब पास में ही है, ये नहीं है, मतलब ये मैं समझ रहा मॉडल टाउन, पैसे इशारा कर रहा हूँ। तो चलो जल्दी से लेके चलता हूँ, लेट्स गो। आ चुका हूँ मैं अभी फाइनली मार्केट में और यहाँ पर काम हो रहा है। भैया कहाँ से हो रहा है काम मेरा, एक बार बता दो। लल्ला कार गैलरी से। लल्ला कार गैलरी से हो रहा है, ठीक है। भैया का मैंने एक मिनट शोर है, मैंने देख लिया था यूट्यूब पर रिव्यू भी, तो मुझे यहीं का सबसे बढ़िया लग रहा था, तो मैंने यहाँ आ गया। क्या काम हो रहा है आपको एक बार दिखाता हूँ। भैया आपका नाम क्या है? शिवम। शिवम भैया यहाँ पर पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये अभी बता दो। अच्छा, तो कई लोग सोचे कि हरमन भाई ये सब क्या कर रहे हो, परमानेंट फिल्म, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्सरे शीट बनेगी, जैसे आपके कर्टन होते हैं वैसे है मम्मी, उतर भी जाएगा जब मन करो चढ़ा लो, परमानेंट स्टिक नहीं होएगी शीशे पे। हाँ वो शीशा जैसे डाउन करोगे नीचे हो जाएगी ऊपर, वैसे है, देखना अभी रिजल्ट। ऐसे हैंडल थोड़ा ऐसे कर दो एक बार, उस तरफ लेफ्ट साइड, नहीं लेफ्ट साइड काटो और बम्पर खोलोगे? नहीं नहीं, ये अगर हाथ में पहुंच जाए इतना खोलना खाली, ये वाला हटा दोगे ना, ये निकल जाएगा पूरा बाहर जाएगा। और ये जो स्क्रैच है ये तो हटेंगे नहीं दिया। अच्छा, ये और वो फिर पीछे वाला कैसे हटेगा? ये वाला तो निकल जाएगा पूरा बाहर, भी तो कैसे निकाल दो। हाँ नहीं, जो वो पीछे हल्का सा है वो पूछ रहा हूँ, वो पीछे वाला निकाल दूंगा, ये लगा ना केमिकल। अच्छा अच्छा, तो यार ये थोड़े से ना अभी क्या हुआ था, आ रहे थे ठीक है। हाँ तो भैया से करा रहे हैं, क्या नाम है आपका भैया? सुमित। सुमित भैया ठीक है, आप यहाँ आ जाना, आपका सारा काम हो जाएगा। क्या क्या और करते हो आप? गाड़ी के लॉयज में सिस्टम है, मूवर सीट, अच्छा सब ये सब करते हो, ठीक है। तो पेंट वेंट भैया कह रहे थे और भी कुछ करा लो, अलॉय पेंट। हाँ जी, सारी मॉडिफिकेशन भी होती है, सारी मॉडिफिकेशन, वो तो ठीक है। तो मैंने कहा भी इतना ही कर दो आप, तो आ रहे थे तो यार कोई मार गया था, तो मैंने कहा डेंट भी लगे हाथ हटवा लेते हैं, ऐसे करोगे जला के थोड़ा सा, देख लो जी, और तो नहीं खराब हो जाएगा भैया? पक्का ना? चलो वैसे भी भैया की अब आ जाएगी वीडियो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ अपना ये वाला काम चल रहा है फिल्म का, अभी कितने नाप ले लिया भैया आपने? कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मेजरमेंट कंप्लीट हो गया, अब खाली आपको शीट काट के देंगे। तो ये वैसे अप डाउन हो जाती है? हाँ जी हो जाएगी, कुछ दिनों तक होगी स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर की गम निकल जाएगी तो नहीं होगी, फिर हाथ रख के करना पड़ेगा। अच्छा, तो भैया ने पहले ही बता दिया कि ऐसे होएगा। आप भी इनके ही काम करते हो भैया? मैं पर्सनल काम करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल काम है। अच्छा अच्छा, मेरे पे आते हैं मेरे दोस्त सर्विस पे आते हैं। अच्छा, मैं अपने काम करता हूँ। अच्छा, ये हटा भी दिया आपने? निकाल दिया मैंने। ओह, मैं तो कारीगर हूँ भैया। तो ये सब कैसे हटेंगे? ये भैया पेंट होगा। अच्छा पेंट। और भैया ने जो चार्ज भी लिया वो भी बहुत ही सही लिया, क्या एक बार बता दो क्या लिया आपने? 100 रुपए, मतलब 100 और 100। काम बढ़िया हो गया? हाँ बढ़िया हो गया, पहले ना अजीब अजीब लगता था, गुस्सा हुआ था अंदर। क्या होता है भैया इस बोतल के अंदर? ये केमिकल होता है देखो। अच्छा ना? हाँ जी हाँ जी, ये हटाना था मुझे, केमिकल होता है। अच्छा अच्छा, क्या है भैया बता दो। 8370। हाँ जी। 90। हाँ जी। 395। ठीक है, सुमित नाम है मेरा। तो भैया को आओगे तो फोन करके आना, क्योंकि भैया बिजी रहते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेना, उस हिसाब से भैया फिर अपने आपको टाइम दे देंगे। मुझे लिंक कर देना, ठीक है। मतलब सुबह से कितने रात तक होता है? 10:30 से लेके और शाम को 6:30। ठीक है, तो आ जाना एक बार भैया के पास, कोई भी छोटा काम, कोई मोटा, कोई सी भी गाड़ी का, कोई भी भैया, BMW गाड़ी हो, जगुआर हो, ठीक है। अब आ चुके हैं यहाँ पर बनेगी शीट, कैसे भैया?
यूट्यूब। तो यहाँ पर अभी आ चुके हैं इनके स्टूडियो के अंदर, यहाँ बनती है एक्सरे शीट। ये क्या शीट होती, कौन सी होती थी ये? सेफ्टी होती है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है। देख लो जी ऐसे बनती है, अभी एक ही बनी है सर, बन चुकी है सारी। अभी सर साइज काट रहे हैं आपकी गाड़ी का, उसके बाद फिर इसमें फिल्म लगाएंगे रेड लाइट। अच्छा अच्छा, यहाँ सारा मिल जाएगा सामान। देख लो थार की रेंगलर टाइप ग्रिल जिसे कहते हैं, देखो जी ये रही, ठीक है देख सकते हो। मैट में की है, मैट में करी है, देख लो हमारी पुंटो में ग्लॉसी में हुई है, मुझे वो अच्छी लगती है। देखो सबकी अपनी पसंद है, मुझे ग्लॉस अच्छा लगता है। ये एक्सरे या फिल्म ही है? ये फिल्म है। अच्छा ये ही, फिल्म। ये रिकमेंडेड नहीं है अपनी तरफ से। हाँ मतलब ये फिर अपने एरिया में इनको पता होगा, तो हमारा पोर्टेबल है, ठीक है अपने रिस्क पे चला रहे हैं भाई। ये देख लो जी स्कॉर्पियो भी आई हुई, पीपीएफ होगी, ठीक है। क्या रहता प्राइस और टाइम कितना लगता है? एक दिन लग जाता है। तो है वैसे सक्सेसफुल? बहुत अच्छा। देख बाकी भाई बताएंगे, ठीक है। अच्छा तो शाइन शाइनिंग जाएगी, साफ होकर चमक जाएगा, पानी से जानी है किसी के पास। अच्छा तैयार हुई गाड़ी है, देख लो जी प्राउड फार्मर जी। बॉस लोहे कितने इंच के? ये है प्रोफाइल भी 32। नहीं नहीं इतना टायर नहीं आता, 255 50 और 20 इंच के हैं, इतने बड़े नहीं लग रहे थे। हाँ ठीक है, ये अच्छी होती है। हाँ स्कॉर्पियो उसमें फिर ऐसे काम ना हो तो मजे ही ना आए। फ्रंट के बना रहे हो? अच्छा अच्छा, तो ये क्या जेड बना रहे हो आप? मैंने क्या कहा था, फ्रंट के आप कर देना हल्के से। चलो अब तो काट लो, कोई नहीं वैसे फ्रंट में हम लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि पीछे लगाएंगे, क्योंकि पता है जैसे फैमिली वाले चलाते हैं ना तो थोड़ी दिक्कत आती है। फ्रंट के बनवा लिए क्योंकि यार पैसे पूरे दे रहे हैं तो चीज़ भी तो आएगी ना, रख लेंगे जैसे कोई वीडियो शूट। मेरा यूट्यूब चैनल भी है ना, बनती रहती है वीडियो, तो हरमन ब्लॉग्स के नाम से देख लेना, सब्सक्राइब कर देना। तो यार मैं कहीं जाता हूँ तो अपना फुल प्रमोशन करके आता हूँ, तो भाई का भी अभी फोन पकड़ के दबा देंगे सब्सक्राइब, क्यों अभी दबा देंगे, ठीक है। तो इस वाली का भी बन जाता है, ग्रीन वाली का? ये तो सही है। नहीं वैसे सारी गाड़ियों को सही है। अच्छा सही है, इस कौन सी का? ये सेंट्रो विंग कटे हुए हैं आपके पास? तो ये मेरी जैस का नहीं पड़ा हुआ था? मैंने फोन पे ऐसे बात कर ली थी अभिषेक भैया से कि है तो बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं है, आना ही पड़ेगा। तो यहाँ वरना अभी देखो यहाँ मुझे टाइम लग रहा है, मैं आ गया देख। हम लोग चेक किए नहीं था, था नहीं भैया के पास कटा हुआ, वरना घर भिजवा देते हो। हाँ कुरियर भी करते हैं, ठीक है। हम देख ही रहे थे कि कौन सी वाली जो पीछे वाले शीशे हैं ना उन पे कौन सी चढ़नी है। तो अभी कौन सी नंबर से चढ़ रही है फिल्म? 20 है। सॉरी इससे ऊपर एक जेड आती है। अभी तैयार है या इसमें और कुछ करना है? बस थोड़ा मार दूं, ज़्यादा देर ऐसे लगती नहीं है। देख लो अभी 25-20% है भाई के टेंट, तो भाई अब देख लो पूरे ही डार्क है। ये डर नहीं लगता चलान वन से? देख लो पूरे डार्क है, और ये कोई एक्सरे शीट नहीं है, ये फिल्म ही चढ़ी हुई है, अपने पे एक्सरे चढ़ रही है। मैं का एक बार दिखा दूँ तो ऐसी लुक आएगी भैया, ऐसी शाइनी शाइनी या कैसी? फिल्म वाली शाइनी आएगी? ये सब भैया बाद में बता रहे हैं बातें मुझे, ठीक है। लग चुकी है देख लो, ऐसी लग रही है मतलब, ठीक है। ये देख लो ये फिल्म है जेड ब्लैक, ये एक्सरे है, कुछ मतलब ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा आपको, क्यों भाई? थोड़ा बहुत ही फर्क है, देख लो, देख लेते भाई ऐसे लग रहा है, ठीक है। हाँ जी कैसा लगा? है ना डिफरेंट है, और ये अच्छी चीज़ है, पोर्टेबल फिल्म्स होती हैं मम्मी, जब मन करो उतारो चढ़ाओ, कोई चक्कर ही नहीं है। अभी भाई ऊपर नीचे करके दिखाओगे? ठीक है भाई ऊपर नीचे भी करेंगे अभी।
ये बबल जो आते हैं ये क्यों आते हैं? कौन से? ये देखो ना, ये चिपका नहीं है ना टोप पूरी तरह से, इसलिए आते ही हैं हल्के फुल्के, आएंगे धीरे धीरे चले जाएंगे। ठीक है, ये चढ़गी, देख लो जी, चल रहा है अभी काम, हो रही ऊपर नीचे, ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, भैया ने दिखा दिए सारा। ठीक है, देख लो, ठीक है, देख लो, ठीक, एक बार शीशा डाउन करना, ये मुझे देखना था कि इसके साथ नीचे ऊपर जाता है, एक बार चढ़ाओ, ओए ओए ओए, चला गया, सही है, टेंट हो गए। फाइनली अपना काम हो चुका है, और आज मुझे ना काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, क्यों मम्मी? गर्मी, और ये देख लो, जैकेट, टी शर्ट, स्वेटर, वार्मर, बट उतार देना जैकेट, ठंड लगेगी, ठंड लगेगी। तो ये था, और यहाँ आज धूप निकली हुई है तो ठीक है, थोड़ा अच्छा धूप भी निकलेगी, और ये काम हो चुका है अपना। अब मैं प्राइस बताता हूँ, बहुत लोग सोच रहेंगे प्राइस, अरे तू निकल जा। ये है कि गैस, ये मुझे पड़ी है 800 रुपए की, ठीक है, फिल्म चारों शीशों की, और ये डिक्की की नहीं बनती, मैंने पूछा था डिक्की बना दोगे तो वो भी बनवा लेंगे, अच्छा लगता है, बट वो डिक्की में नहीं बनती। ये हो गया जो नीचे होते हैं अप डाउन शीशे, उन्हीं की बनती है। हट जा भाई, सीन होता था जैसे मैं कहता था मम्मी यहाँ आ जाओ मॉडल टाउन काम करवाना है, तो ये होता था कभी मम्मी के पास टाइम नहीं होता था, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो आज मम्मी को मैंने कहा कि चलो अब चलते हैं, फाइनली काम करवा के आते हैं गाड़ी का, बहुत दिन से बोल रहा था, तो ठीक है, मम्मी अपना बहुत बिजी चलती है, बहुत मम्मी का तो चल रहा है एकदम बिजनेस। ठीक है, तो जिसको जुड़ने टीएम में, मतलब मम्मी को कर देना अपना, मम्मी आपको भी क्लाइंट बना लेंगी अपना। ठीक है, तो आप जोड़ सकते हैं मम्मी के साथ, बहुत ही बढ़िया डीलिंग होती है सब, तो ये बात थी। तो आज फाइनली टाइम मिला मम्मी को, तो मैंने कहा आज बस पकड़ लिया मैंने मम्मी को, इस तरह मुझे आना था, हाँ मम्मी को मॉडल देना था, हाँ मम्मी को आना था, मतलब क्लाइंट को सामान देना था, तो मैंने कहा दोनों काम हो गए। और बाई चांस वाली बात है गाइस, जहाँ मेरा काम हो रहा था मॉडल टाउन 3 में, वहीं पर ही उसी के पीछे साइड में वही क्लाइंट का घर था, तो मम्मी इतने में जब फिल्म काट रही थी वहाँ चली गई और मैं वीडियो बना रहा था, ये था। चलो आज दोनों का हो गया, सोया जी, इतना ज़्यादा ना मतलब मैं टायरिंग हो गया ना वापसी में, इतना ज़्यादा जाम था, और अभी मैं फाइनली घर पहुँच चुका हूँ 2.5 घंटे के बाद। क्या बना है? खा लो फिर। अच्छा नहीं नहीं कुछ अच्छा बनाया करो ना रोम्बी, या आप गैस बताओ यार आपके घर में क्या बनते हैं? मैं तो लोम्बिया बना है, ठीक है, लोम्बिया नहीं लोबिया, अरे तो लोम्बिया खाएंगे तो तू कोलंबिया जाएंगे, लोबिया बना है, लोगों के घर में शायद रोंगी कहते होंगे, मुझे मत दिखा, क्यों पंजाबियों का घर है यार, पंजाबी रहते ने ऐसा कुछ भी कह लेते ने, लोम्बिया बोम्बिया, ठीक है जी, हाँ आ रहे आ रहे। तो यार ये एक्सरे शीट लगवा ली है मैंने फाइनली, और रिव्यू इसका ये है कि 3-4 दिन तक ही शीशा ऐसे उसके साथ जाएगी नीचे ऊपर, उसके बाद आपको एक इतनी सी टेप आती है सेलो टेप, वो लगा लो, मैंने लगा ली अभी सी, तो आप फिर आपकी परमानेंट हो जाएगी, फिर जाएगी ऊपर आएगी, तो ये रिव्यू है इसका। वैसे वो गम जितनी देर टिकी रहेगी तो आपको ऊपर नीचे जाएगी, वैसे इसका कुछ नहीं है। और आपने अभी तक लगवाई है नहीं लगवाई मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी के साथ अनदर ब्लॉग के साथ, तब लिए गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय। और अभी और भी बढ़िया बढ़िया मॉडिफिकेशन आने वाली हैं अपनी न्यू कार पे, होंडा जैज पे। मिलते हैं अनदर ब्लॉग के साथ, तब लिए गुड बाय, थैंक्स वॉचिंग, लव यू गाइस, बाय।